दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI पूरी दुनिया में तेजी से अपनी जगह बना रहा है और जिस तरीके से पूरी दुनिया में AI का चलन बढ़ रहा है, इससे सबसे ज्यादा खतरा अगर किसी जगह पर मंडरा रहा है तो है नौकरी पर खतरा, क्योंकि अब ज्यादातर कामों में सीधा सीधा AI का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसे पूरी दुनिया फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का नाम दे रही है। क्योंकि अब दुनिया की हर कंपनियां अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए ह्यूमन की जगह AI का यूज करना प्रीफर कर रही है, क्योंकि ह्यूमन के मुकाबले अब बिना किसी नखरे और चिक के AI काफी तेजी से कम समय में पूरा कर दे रही है। जिस वजह से अब लोगों को इस बात का डर सता रहा है कि अगर AI इतने सारे काम को एक साथ कर सकता है और वो भी ह्यूमन से ज्यादा बढ़िया तरीके से, तो फ्यूचर में तो बहुत सारे लोगों की नौकरियां जाने ही वाली है। और कहीं ना कहीं दोस्तों ये बात सच भी है, आप माने या ना माने, क्योंकि जब दुनिया में तीसरा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था, जिसे आपने और हमने भी देखा है, यानी थोड़े से इतिहास में अगर आप देखोगे तो जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आई है, सबसे पहला असर उसका जॉब मार्केट पर ही पड़ा है और यही मार्केट सबसे ज्यादा इम्पैक्ट करती है। यानी जब हमारे देश में स्मार्टफोन्स आए थे तो लैंडलाइन टेलीफोन ऑपरेटर की जो नौकरियां थी वो आज तो पूरी तरह ही विलुप्त हो गई है। वहीं जब गाड़ियां आई थी, जो कि हमारे दादा का समय था, तब घोड़ा गाड़ी चलने की जो नौकरियां थी वो धीमी धीमी खत्म होनी शुरू हुई और आज तो कोई चलाता ही नहीं है, यानी वो लोग आज ऑलमोस्ट खत्म हो चुके हैं। वहीं जब ATM आए, बैंक में जो बैंक टेलर की नौकरियां होती थी, जो कैश ट्रांजैक्शन करवाते थे, वो सारी नौकरियां भी बहुत तेजी से नीचे गिर गई। और अब AI के आने से और कौन कौन सी इंडस्ट्री पूरी तरह बर्बाद हो जाएगी या उसके ऑपरेशन का तरीका पूरी तरह बदल जाएगा, आज के इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं। यानी अगर आप इन 10 में से किसी भी इंडस्ट्री में जाने का प्लानिंग कर रहे हैं तो हमारी इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद अपनी प्लानिंग को पूरी तरह बदल लीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट गौरव कश्यप स्वागत करता हूं AGK टॉप 10 के जबरदस्त इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है, AI के आने के बाद कौन सी ऐसी कंपनी है जो पूरी तरह खत्म हो जाएगी, कमेंट में जरूर बताइएगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, वीडियो एडिटर। दोस्तों AI के आने के बाद वीडियो एडिटर की जॉब तो पूरी तरह जाने वाली है, क्योंकि अब मार्केट में कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर आ चुके हैं जिनकी मदद से सिर्फ टाइप करके आप पूरी की पूरी वीडियो रेडी कर सकते हैं, वो भी सिर्फ चंद मिनटों में। मतलब जिस काम को एक प्रोफेशनल वीडियो एडिटर कई घंटे या कह ले कि कई दिन में पूरा करता था, वो अब AI की मदद से कुछ ही मिनटों में पॉसिबल हो सकता है। और इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है Pictory.AI। और दोस्तों ये तो बस एक छोटा सा एग्जाम्पल है, क्योंकि 2025 के मिड तक इससे भी बेहतरीन 10,000 से भी ज्यादा AI वीडियो एडिटर टूल्स लॉन्च करने की प्लानिंग चल रही है, वो भी कई बड़े टेक जेंट्स द्वारा। मतलब दोस्तों ये इतना एडवांस होने वाला है कि आप घर में बैठे बैठे वर्ल्ड ट्रेवल ब्लॉग तक बना सकते हैं, जिसे देखकर कोई भी कहेगा कि आप दूसरे देश में घूम रहे हैं, पर असलियत में तो आप घर में होंगे। यानी दोस्तों आने वाले समय में किसी को भी बेवकूफ बनाना चुटकियों का खेल होगा। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि फ्यूचर में क्या हो सकता है। खैर इसी तरह दूसरी इंडस्ट्री जो बर्बाद हो जाएगी पूरी तरह, वो है नंबर 2 पे BPO और कॉल सेंटर। दोस्तों वीडियो एडिटर की तरह ही अब कॉल सेंटर के जॉब भी खतरे में है, और इसकी तो शुरुआत भी हो चुकी है। दरअसल ऐसा इसलिए क्योंकि अब कॉल सेंटर एजेंट्स की जगह AI चैटबॉट ले चुके हैं। हालांकि अभी 58% इंडियन कंपनीज ही B2B सेक्टर में चैटबॉट को यूज कर रही है, पर माना जा रहा है कि 2025 के एंड तक ये आंकड़ा 90-95% तक पहुंच जाएगा, और 2027 तक तो माना जा रहा है कि चैटबॉट और पास डाटा की मदद से रियल ह्यूमन वॉइस की तरह AI आपकी क्वेरी सुनेगा और उसे एक नॉर्मल पर्सन की तरह सॉल्व करेगा। यानी दोस्तों फ्यूचर में कॉल सेंटर एजेंट्स की जगह AI रोबोट्स लेने वाले हैं, जो कस्टमर के सवालों को समझकर उनके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी देंगे। इसलिए अगर आप भी सेक्टर में जॉब की प्लानिंग कर रहे हैं तो कंपटीशन अब आपका AI से होगा, किसी ह्यूमन से नहीं, क्योंकि BPO या कॉल सेंटर में सिर्फ 5-10% ही एक्चुअल ह्यूमन बीइंग फ्यूचर में वर्किंग रह पाएंगे, और उन 5-10% में आने के लिए भी आपको AI से बहतर बनना होगा। उसी तरह इस सूची में नंबर 3 पर है टीचर की जॉब। दोस्तों AI के आने से अब टीचर्स की जॉब भी खतरे में है, क्योंकि इंसानों की तुलना में AI लोगों से ज्यादा बेहतर तरीके से आपको सिखा सकता है। अब सवाल आता है कि ऐसा क्यों, तो आपको बता दें कि AI के अंदर इतना सारा डाटा फीड है कि आप कोई भी कैसा भी क्वेश्चन हो AI से अगर पूछते हो तो आपको उसका जवाब कुछ ही सेकंड्स में मिल जाएगा। यानी AI टीचर को ना ही कभी किसी बुक पलटने की जरूरत पड़ेगी और ना ही उसे कभी छुट्टी लेने की जरूरत पड़ेगी, और तो और AI को 1 रुपए सैलरी भी नहीं देनी होगी, जिससे आप समझ सकते हैं कि कोई भी स्कूल किसी भी टीचर को फिर बिना वजह सैलरी क्यों देगा, जब उसका काम फ्री में AI कर रहा है। तो जिससे ये बात पूरी तरह क्लियर है कि आने वाले कुछ ही सालों में टीचर्स की जॉब भी AI रिप्लेस कर सकता है। इस सूची में नंबर 4 पर जगह बनाई है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज ने। दोस्तों इस बात से तो आप सब भी भली भांति वाकिफ है कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में मशीनों के इस्तेमाल से धीरे धीरे इंसानों की जरूरत अब पूरी तरह खत्म ही होती चली जा रही है। वहीं आने वाले समय में AI मैन्युफैक्चरिंग वर्कर की भी नौकरी खा सकता है। मतलब रोबोट और ऑटोमेटिक असेंबली लाइंस बड़ी आसानी और तेजी से मैन्युफैक्चरिंग का काम कर सकती है, वो भी बिना
किसी डिमांड, सैलरी या छुट्टी के। वैसे अभी तक आपने 3D प्रिंटिंग मशीन के बारे में तो जरूर सुना होगा, अगर नहीं सुना तो आपको बता दे कि ये एक ऐसी मशीन है जो 3D डायमेंशनल प्रिंटिंग करती है। नहीं समझे, यानी एक ऐसा प्रिंटर जो पेपर पर क्रिकेट बैट की तस्वीर नहीं बल्कि सचमुच का क्रिकेट बैट ही बना कर दे देता है। यानी बैट की तरह आप किसी भी तरह का ड्रॉइंग बना कर दे दीजिए 3D प्रिंटिंग मशीन AI और मशीन की मदद से, वो आपको रियल में और कुछ ही मिनटों में आपकी ड्रॉइंग के अनुसार आपको प्रोडक्ट बना कर दे देगी। वैसे दोस्तों, इस 3D प्रिंटिंग मशीन के बारे में सुनके मेरी तरह आपको अपने बचपन की याद जरूर आई होगी, जब शकलक बूम बूम में संजू जो पेंसिल से ड्रॉ करता था वो सब रियल हो जाता था। तब तो वो सीरियल था, लेकिन अब वो हकीकत में होने जा रहा है और ऑलरेडी कई जगहों पर इस तरह के प्रिंटर से घर तक बनाए जा चुके हैं। इसके अलावा कई सोफिस्टिकेटेड मशीनों ने ह्यूमन लेबर का रोल भी बहुत कम कर दिया है, लेकिन इससे अगली इंडस्ट्री भारत की सबसे बड़ी इंडस्ट्रीज में से एक है जो पूरी तरह बदलने या खत्म ही होने वाली है। नंबर 5, ड्राइवर्स। दोस्तों, चाहे ड्राइवर कार का हो या बस ट्रक का, उसकी जॉब AI ले ही लेगा फ्यूचर में। और दोस्तों, ये कोई कहने की बात नहीं है आज। दरअसल इलॉन मस्क की कंपनी टेस्ला ऑलरेडी ऐसी इलेक्ट्रिक कारें वर्ल्ड वाइड बेच भी रही है जो सेल्फ ड्रिवन है, और आने वाले सालों में ये टेक्नोलॉजी इतनी मैच्योर हो जाएगी कि इसे बस और ट्रकों में भी आसानी से इम्प्लीमेंट किया जा सकेगा। लेकिन अब सवाल आता है कि इससे जॉब कैसे जाएगी या कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो आपको बता दें कि ऐसा होते ही ओला और उबेर समेत तमाम कंपनियां महंगे और थक जाने वाले ड्राइवर्स रखने की जगह कभी न थकने वाली ऑटोमेटिक कार्स, ट्रक्स और बसेस का यूज करने लगेगी। साथ ही अपने पर्सनल ड्राइवर रखने वाले लोग भी ज्यादातर ऐसी गाड़ियों को प्रेफर करेंगे जहां उनको सैलरी न चुकानी पड़े। और आपको बता दें, एक डेवलप कंट्री जर्मनी पहली ऐसी गाड़ियों को अप्रूव करने का इंटरेस्ट भी दिखा चुका है, जिस वजह से आज दुनिया के सभी मेजर ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर भी ऐसी इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाने में लगे हुए हैं जिन्हें कंप्यूटर लॉजिक और AI से चलाया जा सके या किसी रोबोट की मदद से, वो भी विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन। नंबर 6, ग्राफिक डिजाइनर। दोस्तों, अगर पूरी दुनिया में सबसे क्रिएटिव जॉब अगर कोई है तो वो है ग्राफिक डिजाइनर की। लेकिन अब AI आने से ये जॉब भी खतरे में है, क्योंकि मिड जर्नी जैसे AI टूल आज मार्केट में फ्रीली अवेलेबल है जो ग्राफिक डिजाइनर्स के घंटों के कामों को सिर्फ चुटकी बजाते पूरा कर देते हैं, यानी उसे एक मिनट भी नहीं लगता, जिसकी मदद से कोई भी लोगो या ग्राफिक्स सेकंडों में रेडी किया जा सकता है। बस आपको जो चाहिए वैसा टेक्स्ट टाइप कर दीजिए और बस पलक झपकते ही आपका लोगो बनकर रेडी हो जाएगा। यहाँ तक कि AI की मदद से आप पेंटिंग तक बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे काइट की पेंटिंग चाहिए तो आपको टाइप करना है कि फ्लाइंग काइट इन द एयर HD पेंटिंग, और बस आपके सामने पेंटिंग रेडी हो जाएगी और देखने में हूबहू ऐसा लगेगा कि आपने ही ड्रॉ किया है। जिससे दोस्तों आप अंदाजा लगा सकते हैं कि AI क्या क्या कर सकता है फ्यूचर में। उसी तरह नंबर 8 पर है इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग जॉब, बैंक जॉब। दोस्तों, अगर हम आपसे पूछें कि लास्ट टाइम आपने अपने बैंक में कब विजिट किया था फिजिकली, तो शायद आपका जवाब होगा महीने या फिर सालों। वैसे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको कितने महीने या साल हो गए अपने बैंक विजिट किए हुए फिजिकली। जहाँ तक मेरा अनुमान है कि 80% लोगों का जवाब होगा कि हमें महीनों से ऊपर हो गए, क्योंकि दोस्तों मोबाइल एप्स ने बैंक को आपकी मुट्ठी में दे दिया है। यानी चाहे पैसा भेजना हो, मंगाना हो, चेक बुक ऑर्डर करना हो, FD करानी हो, इवन लोन तक के लिए अप्लाई करना हो जिसके लिए आपको पहले कितने लोगों का पैर पकड़ने पड़ते थे, ये सारी चीजें अब आप अपने मोबाइल से ही कर सकते हैं और इसके लिए आपको किसी के पैर पकड़ने की जरूरत नहीं है। और जिस तरीके से इतना तगड़ा कैप्चर हुआ है बैंक, ऐसे में भविष्य में बैंकों को एम्प्लॉइज की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं रहने वाली, क्योंकि उनकी जगह रोबोट्स और AI की मदद से बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट अपना ब्रांच हैंडल करेंगे, वो भी महज 3 या 4 एम्प्लॉय के साथ जो अभी 20 से 25 की डिमांड होती है, क्योंकि AI सारा डाटा ऑडिट कर लेगा, वो भी सिर्फ चंद मिनटों में। यहाँ तक कि किसने क्या ट्रांजैक्शन की नहीं की इसका भी रिकॉर्ड AI बहुत ही आसानी से रख सकता है। यहाँ तक कि अगर फ्यूचर में कोई लोन लेता है तो उसके जन्म पत्री से लेकर के आज तक की वेरिफिकेशन AI सिर्फ चंद मिनटों में निकाल के दे देगा, यानी लोन वेरिफिकेशन डिपार्टमेंट का भी काम पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। और जो बैंक की जॉब की डिमांड आज हर साल 5 लाख 10 लाख लोगों की है, वो फ्यूचर में 5 से 10 हजार की रह जाएगी। दोस्तों, ये सेक्टर अभी नया ही सेक्टर था जो कि पिछले 10 सालों में बहुत तेजी से उभर रहा था, लेकिन अब माना जा रहा है कि ये सेक्टर भी पूरी तरह बदल जाएगा या तो खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये सेक्टर है डिलीवरी बॉय का। यानी दोस्तों, वो समय भी दूर नहीं जब आप अपने ऑनलाइन ऑर्डर की डिलीवरी के लिए गेट के बजाय आसमान में देखेंगे। और ये दोस्तों कोई विदेश की बात नहीं है, अपने ही भारत के लखनऊ में महज कुछ दिन पहले दुनिया की पहली चाय ड्रोन से डिलीवरी की गई है। यहाँ तक कि अमेजोन ने तो अपनी पहली ड्रोन डिलीवरी दिसंबर 2016 में ही कर ली थी, लेकिन फिलहाल अभी ये विदेशों यानी US में, इंडिया में आने में 1-2 साल का और समय लगने वाला है। यानी सीधी भाषा में बोले तो फ्यूचर में डिलीवरी करने का काम ड्रोन करेगा, और ये किसको डिलीवरी दे के आया तुरंत फोटो क्लिक करेगा और अपने नियर बाई ब्रांच और हेड ऑफिस तक भेज देगा।
देगा, यहाँ तक कि उस ह्यूमन की वॉइस और एक्चुअल वो कहाँ खड़ा था पूरी लोकेशन कैप्चर कर लेगा, जो कि ह्यूमन के लिए करना नामुमकिन है। जिस वजह से ऐसे लाखों लोग जो अभी ये काम कर रहे हैं उनकी जगह आने वाले 2030 से पहले तक पूरी तरह ड्रोन ले लेगा। और अभी तो खैर इन्हें ऑपरेटर्स की जरूरत पड़ती है, क्या पता फ्यूचर में एआई और रोबोट इतने स्ट्रांग हो जाएं कि भविष्य में इन्हें ऑपरेटर्स की भी जरूरत ना पड़े। यानी आप सिर्फ ऑर्डर प्लेस कीजिए, कुछ ही घंटों में ड्रोन आपके घर तक वो डिलीवरी पहुंचा देगा। लास्ट बट नॉट लीस्ट, नंबर 10, मार्केट रिसर्च एनालिस्ट। मैसेजिंग, कंटेंट और प्रोडक्ट के डेवलपमेंट में मार्केट रिसर्च एनालिस्ट की पिछले कई दशक से एक अहम भूमिका रही है, लेकिन ये काम भी ऑटोमेटेड एआई बड़ी आसानी से कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए ग्रोथ बॉट, एक साधारण स्लेक कमांड के साथ आसपास के बिजनेस और कॉम्पिटिटर्स पर आपको सिर्फ चंद मिनटों में मार्केट एनालाइज करके वो भी सटीक और ह्यूमन बींग से बेस्ट आपके फोन पर घर बैठे बैठे दे सकता है। यानी जिस काम को करने में किसी इंसान को 1 से 10 दिन लग जाएंगे, वो सिर्फ 3 से 5 मिनट में आपको आपके एरिया का ओवरऑल सर्वे या आपको जिस चीज की भी डिमांड या एनालाइज करनी है वो आपको करके दे देगा। और ये तो सिर्फ एक छोटा सा एग्जांपल है, जिस भी इंडस्ट्री ने इसका यूज किया है उनका यही फीडबैक आया है कि ये ह्यूमन की तुलना में बहुत ही बेटर तरीके से काम करता है और इसका सर्वे भी लगभग 80% एक्यूरेट रहता है। जिसे आप समझ सकते हैं कि अब सेल्समैन, मार्केट रिसर्च और ना जाने इस तरह की कितने इंडस्ट्री पूरी तरह चेंज होने वाले हैं। खैर दोस्तों, यही थे वो 10 जॉब जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने के बाद पूरी तरह से या तो रिप्लेस हो जाएंगे या तो खत्म हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों एक बात हम आपको और बता दें कि ऐसा नहीं है कि एआई के आने के बाद सब खत्म हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों जहां पर कोई चीज खत्म हो रही होती है वहीं एक नए युग का शुरुआत भी हो रहा होता है। अगर आप चाहते हैं कि हम इस पे वीडियो बनाएं कि 10 ऐसी नई इंडस्ट्री जो एआई के आने के बाद शुरू होगी, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, यानी आपको किन एआई जॉब्स के लिए फ्यूचर में प्रिपेयर्ड रहना है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं इसी तरह की और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।